प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ कॉइन क्रिस्टल्स कलेक्ट करने की, जिससे मैंने काफ़ी सारे क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये ट्रिक बताने से पहले चलिए एक बैटल खेल लेते हैं। करण नाम का बंदा काफ़ी सारे पॉइंट्स देने वाला है, इसके अलावा कोई और दिख नहीं रहा जो इतने पॉइंट्स थे। इसी के साथ बैटल कर लेते हैं। इसके पास है आर्टिकूनो और मेगा चारिज़ार्ड और लुकारियो। चलिए बैटल शुरू करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यार उस बंदे के साथ। क्या आर्टिकूनो धांसू दिख रहा है यार उसका। बैकअप के लिए लुगिया ले चलते हैं, बाकी बिना लुगिया के बैटल जीतने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहाँ ये आ चुका है आर्टिकूनो। स्टेल्थ रॉक यूज़ करना है हमें सिर्फ एक बार, और इसके बाद बुला लेते हैं रजिगिगास को। थंडर पंच यूज़ करते हैं। एक थंडर पंच में पैरालाइज हो गया, बहुत शानदार। बट भाई आर्टिकूनो बहुत क्लासी लग रहा है यार। उसके माथे पे जो ट्रिपल जो मुकुट टाइप का है वो क्या कूल लग रहा है यार। एक और थंडर पंच और आर्टिकूनो गया। स्पीड कम कर दी हालांकि आर्टिकूनो ने हमारी। गेंगार आ चुका है, शैडो अटैक एबिलिटी एक्टिवेट कर रखी है यार इसने। क्या करें गेंगार, तुझे तो मारना पड़ेगा। और ड्रेन पंच यूज़ कर रहा है, देखो तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा गेंगार, है ना। मुझे भी लग ही रहा था ऐसा। नॉक ऑफ यूज़ करते हैं, चार्जार्ड के आइटम्स गिरा देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ड्रैगनाइट को बुला लेते हैं और एक आउटरीच यूज़ करते हैं यहाँ पर। बहुत तगड़े चार्जार्ड उड़ चुका है, यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम ड्रैगन डांस। बहुत सही, स्पीड बढ़ चुकी है, अटैक बढ़ चुका है, अब आउटरीच यूज़ करते हैं। ये गया चार्जार्ड, बहुत तगड़े। यहाँ इनका रायपीरियर आ चुका है, एक आउटरीच, एक और आउटरीच बाकी है। और रॉक ब्लास्ट यूज़ कर दिया इसने, और ये हमारे सामने एक और ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट हो गया यार ये तो। शेडिंजा लाए हम लोग, शेडिंजा को नहीं लाए, यही तो गलती कर दी यार। अब वो यूज़ करेगा आउटरीच बैक टू बैक। रजिगिगास की स्पीड कम हो गई थी लेकिन अब वापस बढ़ चुकी है। रजिगिगास ज़्यादा फास्ट है तो आइस पंच निपटा देगा। बहुत सही, लास्ट पोकेमॉन का लुकारियो तो ड्रेन पंच से निपटा देते हैं। चलो बैटल तो रही तगड़ी, और अब मैं बताता हूँ कि मुझे कहाँ से क्रिस्टल्स मिले हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं लिमिटेड टाइम पोकेमॉन रिवॉर्ड नंबर 3। मैं लिमिटेड टाइम पोकेमॉन में 3rd रैंक पे आ गया, और यहाँ आप लोग देखिए मैंने टोटल कितना स्पेंड किया है। डायनामैक्स 320 पॉइंट्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 पॉइंट्स मिलते हैं एनर्जी परचेज करने पे, तो मैंने 2 बार एनर्जी ली थी और सिर्फ 1 बार एडवांस कैप्सूल यूज़ की थी। यहाँ से जो मुझे पोकेमॉन मिला वो ए रैंक का था, ज़्यादा क्लासी नहीं था बट ए रैंक का था, काफ़ी अच्छा था, बैटल्स में यूज़ कर सकते हैं उसे, इस टाइप का था। अब इसमें मैं जीत चुका हूँ रिवॉर्ड नंबर 3, जिसमें मुझे मिले हैं 3000 क्रिस्टल्स। तो यहाँ मैंने स्पेंड किए 2800 क्रिस्टल्स, और यहाँ मुझे रिवॉर्ड में मिल गए हैं 3000 क्रिस्टल्स। 200 क्रिस्टल्स का फ़ायदा, 10 लाख कॉइन्स, 50 रेयर कैंडी लार्ज वाली, रेयर कैंडीज तो यार ऐसे ही मिलती हैं बड़ी बड़ी, और साथ ही साथ
एडवांस स्कैनर 8, जो कि अब मेरे पास हो चुके हैं 40 एडवांस स्कैनर। और जिस तरह से मैंने आपको पुरानी लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये जनरेशन 6 के लेजेंडरीज आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी ये सब सफारी जोन में भी आएंगे। जिस तरह भी लुगिया है, मे भी आगे जाके इवेल टॉल आया, कोई और आए, तो भाई कैच कर लेंगे बहुत शानदार तरीके से। एक चीज़ और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जेन 6 के डार्क टाइप पोकेमॉन, डार्क टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन इवेल टॉल के बारे में। तो हमारे सर्वर पे एक बंदे ने पकड़ा है इवेल टॉल को, बंदा तगड़ा यार, ये देखिए, तो ये बंदा है, इसने पकड़ा है इवेल टॉल को। थोड़ी बहुत डिटेल तो हमें पता चल जाएंगी इससे कि इसका जो ओवरऑल स्टैट्स हैं वो 680 स्पेशल अटैक और अटैक, बहुत सही है यार इस पोकेमॉन का। स्पीड एवरेज है, एचपी भी सही है, बाकी यार अटैक और स्पेशल अटैक बहुत धांस हुए। फ्लाइंग और डार्क टाइप होने की वजह से इसे आता है डार्क पल्स, साइकिक भी सिखाया है भाई ने और रूस्ट भी दे रखा है। इवेल टॉल का लुक यार बहुत कूल है, बहुत कूल, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, बहुत मस्त लुक है यार इस पोकेमॉन का। इसका शाइनी मिल जाता या जो नाइटमेयर फॉर्म है वो मिलता तो वो तो और भी ज़्यादा धांसू लगता है। इसके साथ बंदे ने दे रखा है इसे टॉन, जिसकी वजह से टारगेट अटैक के अलावा, मतलब फिजिक अटैक वाले मूव्स के अलावा कोई दूसरा मूव यूज़ नहीं कर सकता। वो कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूज रे या फिर रिकवर या स्टैक के मूव्स यूज़ नहीं कर सकता, वो सीधा सीधा अटैक करेगा, बहुत सही है। इसके अलावा साइकिक दे रखा है, हालांकि ये डार्क फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है तो इस पे साइकिक टाइप मूव्स का असर तो वैसे ही नहीं होना। प्लस भाई ने दे रखा है इसे रूस्ट, तो ये खुद को हील कर ही लेगा आराम से, बहुत प्यारा पोकेमॉन है, बहुत तगड़ा पोकेमॉन है। तो चलिए, इसके बारे में तो पता चल चुका है, बाकी और जो लेजेंडरीज हैं जेन 6 के, आप उनके बारे में भी डिटेल्स भेजिए ताकि मैं बाकी सब के बारे में भी आपको डिटेल में बता सकूं। ये तो भाई ने कैच कर लिया था और मैंने देख लिया तो मुझे पता चल गया। चलिए कलेक्ट करते हैं हमारा रिवॉर्ड, और इसी के साथ फ्रेंड्स मेरे पास अराउंड 38 प्लस एडवांस चैनल्स हो चुके हैं मेरे पास। आगे अगर कोई जेन 6 का लेजेंडरी आता है, 46 हो चुके हैं, रिसेंटली किस्मत मेरी अच्छी थी, मुझे एडवांस कैप्सूल में काफ़ी सारे एडवांस कैनर मिले। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पोकेमॉन की डिटेल्स भेजो भाई जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी अबिलिटीज़ क्या हैं, इनके मूव सेट्स क्या हैं, आप लोग भी जानना चाहते होंगे तो जल्दी बता दो यार प्लीज़। मिलते हैं अगली बार।